पंचायत जरामोह गांव में प्रतिवर्ष अनुसार 5 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन राधा कृष्ण मंदिर के समीप स्थित सलीला चंद्र भागा तट पर महाविष्णु यज्ञ की पावन धरा पर किया गया है। मेले का शुभारंभ सोमवार 30 नवंबर 2020 को कथा पूजन त्रिपुर उत्सव के साथ हुआ। इस मौके पर रात्रि 9 बजे से श्री कृष्ण राधा मंडल द्वारा भगवान राधा कृष्ण से आधारित भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें व आकर्षक झूले लगाए गए हैं। श्री कृष्ण मेला समिति नीम चौक जरामोह गांव के प्रांगण में यह भव्य मेला आयोजित किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा त्रिपुर उत्सव के दूसरे दिन ग्रामीणों ने गंगा माई में श्रद्धा की डुबकी लगाई और दीपदान किया। सामूहिक रूप से जरामोह गांव कार्तिक पूर्णिमा त्रिपुर उत्सव प्रकाश उत्सव गत 30 नवंबर दिन सोमवार को पूरी आस्था विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान राधा कृष्ण मंदिर में ग्रामीणों तथा दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं भक्तों के द्वारा भगवान को रूट मलीदा श्रीफल पान सुपारी से पूजा अर्चना कर अपनी मन्नतें पूर्ण की गई। तत्पश्चात रात्रि में 9:30 बजे टीपुर उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 1000 बत्तियां बनाई गई थी, जहां श्रद्धालुओं द्वारा अपनी श्रद्धा के अनुसार घी तेल कपूर दिया गया और उसके बाद दीप प्रज्वलित हुए और सभी ने महाआरती ली। उसके बाद मन्नत पूर्ण करने के लिए पंडित के द्वारा कथा पूजन, सभी श्रद्धालु भक्त यजमानों को द्वारा कथा पूजन कर प्रसादी का वितरण किया गया। श्रद्धालु भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाकर किया दीपदान। ग्रामीणों श्रद्धालु भक्तों के द्वारा परंपरानुसार दूसरे दिन गंगा माई में श्रद्धा की डुबकी लगाकर दीपदान किया गया। इस तिथि को ब्रह्मा विष्णु शिव अंगिरा और आदित्य आदि का दिन भी माना जाता है। इस दिन किए जाने वाले स्नान दान हवन यज्ञ व उपासना अनंत फल प्राप्त होता है, इसलिए ग्रामीण अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए गंगा माई में श्रद्धा की डुबकी लगाकर दीपदान व सामूहिक रूप से भोजन अपने इष्ट मित्रों के साथ करते हैं। ग्रामीण जन एक दूसरे को इस दिन प्रसादी का वितरण भी किया जाता है। ज्ञात हो कि इस दिन ग्रामीण जन गंगा माई में सुबह से ही जाकर अपने चूल्हा चक्की जमा कर स्नान ध्यान करने के लिए नदी में आ जाते हैं और दीपदान कर पान सुपारी चावल से गंगा माई का आवाहन करते हुए श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं और विभिन्न पकवान बनाकर सामूहिक रूप से अपने परिवार इष्ट मित्रों के साथ कुटुंब साथ पूजा अर्चना कर दीपदान कर नारियल पानी सुपारी चावल रूट मलीदा चढ़ाते हैं और गंगा माई में अपने परिवार संग संबंधित एवं गांव की सुख समृद्धि ऐश्वर्य स्वास्थ्य खुशहाल जीवन की शुभकामना करते हैं। ऐसे क्रम 5 दिनों तक चलता है। फिर रात्रि में भगवान विष्णु यज्ञ की पवित्र पावन धरा पर लगे मेले की खरीदारी शुरू होती है और किंतु इस वर्ष कोविड-19 यह महामारी प्रकोप के कारण मेले में कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है। प्राचीन धार्मिक मान्यता है कि लगभग 500 वर्ष पूर्व लाल बल्ला अंतर्गत रामजी टोला की मराठ जाति के निर्धन व्यक्ति बंग महाजन पंचेश्वर को स्वयं भगवान ने सपने में उपदेश दिए थे कि तुम मेरा मंदिर जरामोह गांव और अपने गांव में बना। और सब्र से अपने महाजन ने भगवान ने कहा था कि प्रभु से गरीब निर्धन आदमी प्रतिदिन रोजी रोटी कमाकर एक पत्नी और पुत्र का पालन पोषण करता हूँ। मेरे पास मंदिर बनवाने के लिए धन सामग्री नहीं है। भगवान ने उसे कहा कि तू मंदिर कार्य शुरू कर, मैं पैसा दूंगा। उस व्यक्ति ने सुबह उठकर ग्राम के पटेल व वरिष्ठ महाजनों मालगुजार से अपने स्वप्न की चर्चा की, परंतु उसकी बात सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित होकर अविश्वास जताकर मजाक समझने लगे। इस दौरान बंग महाजन ने कहा, मुझे मंदिर बनाने के लिए जमीन बताएं, भगवान की दया से मैं मंदिर बनाऊंगा। मंदिर बनवाने के लिए मालगुजारों ने दी थी जमीन, जिसके बाद आखिरकार मालगुजारों ने जमीन दे दी। उसने मालगुजारों से कहा कि मजदूर लगा दो और मंदिर की नींव खोद दो, जिसके बाद मंदिर बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। इस दौरान अगली रात्रि में भगवान स्वप्न में आए और कहा, तेरे घर में हंडी में पैसे हैं, मजदूरों को चुका कर दे दे। अब लोगों को विश्वास हो गया कि मंदिर निर्माण का काम जोरों से चलने लगा। प्रतिदिन मजदूर कार्य करते और मजदूरी लेते रहे। जब भगवान का मंदिर बनकर तैयार हो गया, तब उस व्यक्ति को भगवान ने स्वप्न दिया कि तू अपना भी एक मंदिर बना जो निर्माणकर्ता भक्त के नाम से रहेगा।
इसी तरह उसने दूसरे मंदिर का भी निर्माण किया और भगवान की प्रेरणा से दोनों मंदिर के बीच एक कुआं भी बनाया और मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति भी स्थापित की गई। फिर भी उसके पास से राशि बच गई जिसे उसने कुएं में डाल दी। मान्यता यह है कि वह पैसा वर्तमान में शेषनाग बनकर मंदिर व ग्राम की रक्षा करता है। तब से लेकर जरा मोहो गांव आस्था व श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पहुँचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की इच्छाएं पूरी होती है। ऐसी ही चमत्कारी घटना विगत वर्ष 2009 से 28 मई को घटित हुई थी। इस दिन दोपहर लगभग 2:30 पर वैशाख पूर्णिमा के दिन स्वयं कृष्ण भगवान की मुरली की धुन ग्रामवासियों ने सुनी तथा इस दिन भयंकर तूफान बादलों की गड़गड़ाहट भी हुई, अपितु इससे किसी प्रकार की हानि या क्षति नहीं हुई। मेला समिति ने क्षेत्र की जनता से पुरजोर अपील की है कि वह अधिक से अधिक तादाद में उपस्थित होकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी मन्नतें पूर्ण करने के लिए अर्जी लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।